विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कमिश्नर ने विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि धान खरीद में तेजी लाया जाए तथा मंडलीय अधिकारी जिलों में जाकर धान खरीद की प्रगति की निरीक्षण भी करें। उन्होंने आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल रिक्त कोटे की दुकानों का आवंटन कराया जाए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम रहने पर एडी बेसिक का वेतन रोकते हुए निर्देश दिए कि विद्यालयों में जब भी आरबीएस के की टीम जाए तो 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कि सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। मंडलायुक्त ने 50 लाख के ऊपर के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रेक्षागृह के निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था UPRNN के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजने का निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने सभी विभाग मुसहर एवं वन टांगिया गाँव में हर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, मनरेगा के तहत कार्य के लिए आवंटित धन पर अभी तक कार्य आरंभ न कराने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी से स्पष्टीकरण देने, छात्रवृत्ति ODF शौचालय के निर्माण में तेजी लाने, गांव में साफ सफाई एवं नियमित फॉगिंग, पेंशन वितरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत कनेक्शन का संयोजन, विद्युत आपूर्ति, गन्ना मूल्य भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास, मुख्यमंत्री आवास योजना NRLM, सेतु निर्माण, पट्टा आवंटन, खाद बीज की उपलब्धता, स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों, नई सड़कों के निर्माण, ई टेंडरिंग, गड्ढा मुक्ति आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, कुशीनगर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, CDO अनुज सिंह सहित विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।